हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के अब बज चुके हैं 6 और हम चल पड़े हैं अपने काम की तरफ, काम करने के लिए। और भाई, पीछे पहाड़ों पर जो है बादल आ चुके हैं, बारिश कभी भी आ सकती है, बरसात का मौसम है। और भाई, मनाली साइड तो हिमाचल में बहुत ही बुरा हाल है। वहाँ पर लगभग 10 किलोमीटर रोड 4 लाइन जो है पूरा साफ हो चुका है। तो जो भी टूरिस्ट लोग आ रहे हैं मनाली की तरफ, वो तो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि वहाँ खतरों से खाली नहीं है वहाँ पर जाना। तो ऐसे मौसम में, बरसात के मौसम में, वैसे बिना काम से घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए ज़्यादा, बहुत खतरा रहता है बाहर। और यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको थोड़ा सा व्यू मक्की का। मक्की ऐसी फसल है भाई, ये मतलब सबसे जल्दी होने वाली फसल है, एकदम से ही लंबी हो जाती है, जल्दी तैयार हो जाती है, मतलब सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। ये देखिए यहाँ का, और बारिश भी लगभग स्टार्ट हो ही चुकी है, लगता है आज आ ही जाएगा मौसम बारिश। तो फ्रेंड, अभी जो है बारिश थम चुकी है और हम कर रहे हैं ईंटों का ढलान। और ये देख सकते हैं आप, शिकंजा ईंट ढोने वाला जो अजोग राज ने पीठ में लगाया हुआ है। बताते हैं आपको किस तरह से लोड करते हैं हम। तो इस तरह से ईंट को तेल लगा के रखना पड़ता है और इससे चली जाती है लगभग 8 से 10 सीटें। तो हम इस वक्त 8-8 सीटें ले जा रहे हैं, तो इससे जल्दी हो जाती है, इकट्ठा चली जाती है ईटें। तो गाइस, ये देख सकते हैं आप। फिर क्या लेंगे, ठीक है। हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पर अपने गांव का नज़ारा, दृश्य कुछ इस तरह सा है। सामने जो है बरसात की हरियाली काफ़ी अच्छी दिख रही है, और ये सामने रहा उस तरफ गुम्मा, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर, जय बाबे दी। और अभी जो हमने बजरी ख़त्म ही कर ली है, बस ये बोरू भरे हैं, अभी ये ले जाने हैं इस तरफ करमू। देखो भाई, आयुष हमारे साथ काम कर रहा है ईट ढोने का, और ये है हार्दिक पांडे। चलो फिर, गुड गुड बॉय। ठंड अभी जो है भारी बारिश लगी है और सामने जो है गिर रहा है पूरा, मुझे लगता है तो आज ब्लॉक कर देगी आज फिर से रोड। ओ भाई, देख सकते हैं आप, गिर रहा है उधर से, ओ गिर गया भाई।